आज का हमारा ध्यान गर्भवती माताओं के लिए है। यह ध्यान श्रेष्ठ गर्भाधारण इच्छुक माताएं भी कर सकती है। आज गर्भवती माता एवं श्रेष्ठ गर्भाधारण इच्छुक माता के लिए पूर्णिमा का ध्यान करेंगे। वैसे यह ध्यान हर रोज रात को कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन यह ध्यान अवश्य करें। इस ध्यान के लिए अगर आप चंद्रमा की प्रत्यक्ष रोशनी में बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, जिससे आप चंद्रमा को देख पाए और चंद्रमा की किरणें आप तक पहुंच पाए। अगर अनुकूल नहीं है तो घर में कोई भी अनुकूल स्थान पर बैठ सकते हैं। ध्यान के लिए आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। आप चाहे तो बैक सपोर्ट ले सकते हैं। अपनी दोनों हथेलियां अपने पेट पर नाभि के ऊपर और नीचे की तरफ रख दें। मानो आप अपने गर्भस्थ शिशु को प्यार से स्पर्श कर रहे हैं। इसी प्रेम पूर्ण भाव के साथ एक लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ दे। अगर आप चंद्रमा को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं तो चंद्रमा की तरफ अपना ध्यान ले जाए। अगर नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, मन ही मन पूर्ण चंद्र की कल्पना करें। चंद्रमा की तरफ दृष्टि करें। चंद्र की सुंदरता और पूर्णता का अनुभव करें। जैसे चंद्रमा पूर्ण है, सुंदर है, वैसे ही आपका बालक भी पूर्ण है, सुंदर है। इस सुंदरता को, पूर्णता को अपनी सांसों में भर ले। इसी प्रसन्नता के भाव के साथ एक लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ दे। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ दे। चंद्रमा के इस स्वरूप को मन में स्मरण करते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले। इस निर्मल स्वरूप को याद करते करते एक लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ दे। अंदर जाती सांस आपके गर्भस्थ शिशु को पूर्णता, सुंदरता और शीतलता प्रदान कर रही है। बाहर निकलती सांस आपकी दुख, व्यथाएं, अस्वस्थता आपसे कोसों दूर लेकर जा रही है। चांद की निर्मल किरणों आपके पूरे शरीर को दिव्य बना रही है।
कल्पना करें कि चंद्रमा की ये पवित्र किरणें आपकी नाभि से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। नाभि पे इस किरणों के स्पर्श को महसूस करें। आपकी नाभि से आपके शिशु का गर्भनाल जुड़ा है। चंद्रमा की ये दिव्य किरणें गर्भनाल में से पसार होते हुए आपके शिशु तक पहुंच रही है। आपके शिशु के पूरे शरीर में फैल रही है। आपके शिशु को पोषण देने वाला गर्भनाल स्वस्थ है। आपका शिशु बिल्कुल ही स्वस्थ है। उसके पूरे शरीर में चांद की शीतल रोशनी फैल रही है। इस शीतल रोशनी के प्रभाव से आपका गर्भस्थ शिशु शांत है, निर्मल है, प्रसन्न है। आपके बच्चे के इस दिव्य स्वरूप का अनुभव करें। चांद की ये शीतल रोशनी बच्चे के आसपास गर्भ जल में फैल रही है। इस गर्भ जल को पवित्र बना रही है, निर्मल बना रही है। आपका शिशु इस पवित्र जल से घिरा हुआ है, वो बिल्कुल ही सुरक्षित है। धीरे धीरे ये निर्मल प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। मानो पानी की तरह प्रवाहित हो रहा है। चांद की ये निर्मल रोशनी आपके दोनों पैर, पेट और पीठ, सीना, दोनों कंधे, दोनों हाथ, गला, चेहरा, मस्तिष्क के भाग में फैल रही है। आपका पूरा शरीर इस दिव्य प्रकाश से भर चुका है, पवित्र हो चुका है। हृदय इसी प्रकाश से भरा हुआ है। फेफड़े के अंदर भी यही पवित्र प्रकाश है। आंतों के अंदर से भी यही निर्मल प्रकाश प्रवाहित हो रहा है।
शरीर के कण कण में ये प्रकाश व्याप्त है। आप निर्मल है, आप पवित्र है, आप स्वस्थ है, आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी स्वस्थ है, पवित्र है, दिव्य है। ये दिव्य प्रकाश आपके शरीर से निकलकर आपके चारों तरफ फैल रहा है। आपके आसपास चांद की दिव्य रोशनी है। आपके शरीर से निकल रहा दिव्य प्रकाश चांदनी की किरणों से मिलकर आपके चारों तरफ एक दिव्य वातावरण का सृजन कर रहा है। आपका शिशु दिव्य है, आप दिव्य है, आपके आसपास का वातावरण भी दिव्य है। ये दिव्यता, ये शांति, ये पवित्रता प्रदान करने वाले चंद्रमा को याद करें। हे चंद्रदेव, मेरे भीतर ईश्वरत्व का अंश आकार ले रहा है। आप आपकी निर्मलता उसे प्रदान करें। आपके निर्मल तेज से उसकी चेतना को तेजस्विता प्रदान करें। आपकी तेजोमय सुंदरता का मेरे शिशु में अवतरण हो। हे शीतलता के स्वामी, जिस करुणा से आप समग्र सृष्टि को शीतलता प्रदान कर रहे हैं, उसी करुणा से मेरे गर्भ में पल रहा ईश्वर का ये अंश पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करे। हे चंद्रदेव, शीतलता के स्वामी, पवित्रता के प्रतीक, आपके आशीर्वाद से हमारा आने वाला शिशु पूर्ण है, तेजस्वी है, निर्मल है, दिव्य है। एक लंबी गहरी सांस भरे। और छोड़ दे। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरे। और छोड़ दे। इसी निर्मलता और प्रसन्नता के साथ
आप कुछ देर और बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। आपको जब भी ठीक लगे तो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।